नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन इन दिनों क्रिकेट से थोड़ी दूरी बनाकर बनारस की मस्ती में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार की शाम पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे शिखर धवन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद काल भैरव मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया और उसके बाद गंगा सेवा निधि की आरती में शामिल होने के लिए पहुंच गए। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि भीड़ में उन्हें कोई पहचान न सके, इसलिए उन्होंने बाकायदा शॉल ओढ़ने के साथ साथ चेहरे पर मास्क लगा रखा था। नीले रंग का कंबल ओढ़कर धवन ने अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ के बीच पहुंचे शिखर धवन को कुछ लोगों ने पहचान लिया। फिर भी शिखर धवन ने गंगा सेवा निधि की नियमित गंगा आरती में शिरकत की और बनारस को जीने का पूरा प्रयास किया। मंगलवार की शाम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद शिखर धवन ने बाबा काल भैरव मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ओमकारा फिल्म के मशहूर गाने सबसे बड़े लड़ैया ओमकारा गाने के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया और गंगा घाट से ही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हराकर टेस्ट सीरीज जीतने पर बधाई भी दी। इस दौरान माथे पर त्रिकुण लगाकर बाबा भोले के रंग में रंगे शिखर धवन एक अलग ही अंदाज में नजर आए। गंगा सेवा निधि की तरफ से आयोजित होने वाली गंगा आरती में शिखर धवन बनारस के ही अपने एक दोस्त के साथ पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक ये दोस्त बनारस के प्रतिष्ठित उद्योगपति और समाज सेवी केशव जालान थे, जिनसे उन्होंने काशी के बारे में खूब चर्चा की और अगली बार काशी के मशहूर खान पान का लुत्फ उठाने का वादा कर बाबतपुर एयरपोर्ट से मुंबई वापस लौट आए। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।